नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग में 100 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए योग्यता रखा गया है स्नातक पास, और अन्य सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले, जैसे कि इसके लिए उम्र सीमा क्या है, आवेदन करने का डेट क्या है, कब तक आवेदन होगा, चयन की प्रक्रिया क्या हो रही रहेगी, पूरी जानकारी ए टू जेड आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इस प्रकार की जानकारी मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, विज्ञापन इस प्रकार से, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक विकास समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों से 23/8/2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संबंधी जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले पर वैकेंसी निकाली गई है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एवं शक्ति में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिनके लिए सैलरी की बात की जाए तो 44,023 रुपये है, एक पोस्ट है। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, इसके लिए 27,804 रुपये है, एक पोस्ट है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत, ठीक है, ये कहाँ के लिए? जिला बाल संरक्षण इकाई गौरेला, पिंडरा, मरवाही के लिए है, ठीक है। उसका संरक्षण गैर अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर। तो इस प्रकार से हर एक इकाई में जो आप ये 10 प्रकार की वैकेंसी देख रहे हैं, और सेम पोस्ट सेम सैलरी इन जो 6 बाल संरक्षण इकाई है वहाँ वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगला जिला बाल संरक्षण इकाई मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, यहाँ भी 10 प्रकार के पोस्ट हैं। उसके देखिए जिला संरक्षण इकाई खैरागढ़, छुई खदान, ठीक है, गंडई, यहाँ भी देखिए इस प्रकार से यहाँ भी कुल 16 पोस्ट है। उसके देखिए जिला बाल संरक्षण सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहाँ दोस्तों 8 प्रकार के बस पोस्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर तक पोस्ट है, ठीक है, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट कम है। उसके देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई शक्ति, यहाँ भी पुनः 10 प्रकार के पोस्ट है, ठीक है। उसके देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ भी 10 प्रकार के पोस्ट है सेम। आगे देखिए किशोर न्याय बोर्ड गौरेला, पिंडरा, मरवाही, यहाँ, ठीक है, तो इसमें देखिए गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसके लिए सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक एक पोस्ट है, जिसके लिए सैलरी 11,916 है, ठीक है। तो ये किशोर न्याय बोर्ड है यहाँ। उसके देखिए बालक कल्याण समिति में देखिए, तो बालक कल्याण समिति में सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ भी देखिए पोस्ट एक एक पोस्ट है, तो 11,916 यहाँ भी है। अब देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई है तो शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल और अनिवार्य अनुभव देखिए। अब जिला बाल संरक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता आप देख सकते हैं समाजशास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर एमएस ऑफिस कंप्यूटर वेब आधारित होना चाहिए, संरक्षण अधिकारी, ठीक है। तो देखिए इस पोस्ट के लिए स्नातकोत्तर डिग्री है, बाकी इनके लिए देखिए स्नातकोत्तर अथवा जो है स्नातक और 2 वर्ष का अनुभव भी रखा गया है। तो अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं रखा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जिसमें एलिजिबल है उसी के अनुसार आप जो है अपना आवेदन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लेखापाल, डाटा एनालिस्ट,
डाटा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटरीच वर्कर के लिए, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। किसा और नायब बोर्ड के लिए देख सकते हैं, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और व कल्याण समिति के लिए, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड होना चाहिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा और निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और जो छूट के पात्र होते हैं उन सभी को की छूट को मिला करके अधिकतम 45 वर्ष तक छूट प्रदान किया जाएगा। सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार होगी। आयु के प्रमाण के लिए 10वीं की अंकसूची मान्य होगा। निवास क्या रहेगा, तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पदों हेतु आरक्षण, तो आरक्षण जो लागू होते हैं छत्तीसगढ़ शासन सरकार द्वारा, वे आरक्षण सभी लागू रहेंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम निर्धारित सीमा से पूर्व विवाह कर लिया, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो अनुभव के निर्देश निम्नानुसार रहेगा, तो अनुभव देखिए पूर्वकालिक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी नियम लागू रहेंगे। अब देखिए अंकी प्रणाली, निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची अंकी प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना, तो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के 70% अंक, निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दे नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 वर्ष तक होगा। उपरोक्त में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा, वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे। तो इस प्रकार से चयन की सूची तैयार की जाएगी। तो 1:5 में जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षक के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष रहेगी और भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो भी पहले हो कि अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आवेदन के संबंध में इस प्रकार से पूरा निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जाए और विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पोर्टल पर www.cgwcd.government.in www.cgstategovernment.in पर देखी जा सकती है। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजी की डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको आवेदन कहाँ प्रेषित करना है, देखिए, तो आपको क्या करना है, आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा, ठीक है। तो इस पते पर आपको भेजना है जिस जिले में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए या पीडीएफ आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।